हेलो एवरीवन, होप से गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं वजाहत और वजी टीवी पे एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं। हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि किसी डिजीज़ की वजह से हम लोगों से थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। 1960s में ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में थी। वो लोग जिनकी बॉडी फॉर्मेशन थोड़ी स्ट्रेंज होती थी या जिनमें कोई पार्टिकुलर एबिलिटी या डिसेबिलिटी होती थी, वो सर्कस में जा सकते थे और वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाते थे। वो लोग सबके सामने स्टेज पर जाते थे जहाँ उन पर हंसा जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन एट द एंड वो पैसे लेके खुश हो जाते थे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही सर्कस फ्रीक्स के बारे में बताऊंगा, तो मजीद टाइम जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रेडी फ्रैंकलिन स्टाइल्स जूनियर। ग्रेडी फ्रैंकलिन स्टाइल्स जूनियर 1937 को अमेरिका में पैदा हुआ, जहां वो एज अ शो परफॉर्मर काम करता था। उसकी एक जेनेटिक कंडीशन थी जिसे इलेक्ट्रोडक्टोली कहा जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स और टोज फ्यूज हो गए थे और उन्होंने क्लॉ टाइप स्ट्रक्चर बना लिया था, और ये चीज़ उनकी फैमिली में चलती आ रही थी। उसके फादर के अकॉर्डिंग ये चीज़ उनकी फैमिली में 1840 से चलती आ रही है, और फ्रैंकलिन फोर्थ चाइल्ड है जिसकी ऐसी कंडीशन है। उसकी इस कंडीशन की वजह से उसे लॉबस्टर बॉय के नाम से भी जाना जाता था। फ्रैंकलिन अपनी इस स्ट्रेंज लुक की वजह से बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करता था, बल्कि वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल था और उसने बहुत से फ्रीक शोज में पार्टिसिपेट किया। लोग स्पेशली वुमेन उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती थी। उसने दो शादियां की और उसके चार बच्चे भी थे, जिनमें से दो बच्चों की सेम कंडीशन फ्रैंकलिन वाली थी। इसके बाद उसकी पूरी फैमिली को फ्रीक शो में इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसे लॉबस्टर फैमिली के नाम से जाना जाता था। इसकी सक्सेस स्टोरी काफ़ी अच्छी हो सकती थी, लेकिन इसकी कुछ बुरी आदतें भी थीं, जैसे कि ये ड्रग्स लेता था और ड्रिंकिंग करता था। ये अपनी बीवी और बच्चों को बहुत मारता था। जिस लड़के से इसकी बेटी की शादी होने वाली थी, ये उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए शादी से सिर्फ एक दिन पहले उसने उस लड़के को मार दिया। कोर्ट में ये सब कुछ प्रूव हो चुका था कि इसी ने उस लड़के को मारा है, लेकिन इसकी कंडीशन को देखते हुए इसको सजा नहीं दी गई। बट एट द एंड इसकी वाइफ इसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और इसने साइड शो परफॉर्मर को थोड़े पैसे देके उसे हायर किया और इसे शूट करवा के मार दिया। इसके बाद आता है मिरेन दीजू। मिरेन दीजू का रियल नेम ऑर्नल्ड गैरेट हेस्की था और ये 1912 को पैदा हुआ। इसकी लाइफ कम्प्लीटली नॉर्मल थी, लेकिन ये सब चीज़ें तब चेंज होती हैं जब इसका एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद ऑर्नल्ड ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि उसकी इंजरीज ने इसे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया है और ना ही इसके इंटरनल ऑर्गन्स को कोई नुकसान पहुँचा है, और इस तरह वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाता है। इसके बाद वो लोगों के पास जाता था और इनसे कहता था कि वो इसे किल करने की कोशिश करें। लोग इसे बॉटल्स, स्वॉर्ड और नाइफ के साथ मारने की कोशिश करते थे। इसकी बॉडी में डिफरेंट पीयर्सिंग्स थी जिनके थ्रू स्वॉर्ड गुजारी जाती थी। इन सब चीज़ों को देख के डॉक्टर्स भी शॉक थे कि आखिर ये किस तरह पॉसिबल है कि किसी इंसान के बॉडी से स्वॉर्ड गुजारी जाए और वो फिर भी जिंदा रहे। उसका कहना था कि ये सब बचपन में उसके साथ होने वाले पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स का रिजल्ट है। इसके बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये गॉड की तरफ से साइन है कि ह्यूमैनिटी से बढ़ के भी चीज़ें हैं। उसका कहना था कि वो एंजल से बात करता है और वो जो इसे करने के लिए कहते हैं ये वही करता है। इसने बाद में लेक्चर्स वगैरह भी देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेज और लेक्चर्स के लिए एक लाइसेंस रिक्वायर था, जिसकी वजह से इसको बहुत से डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस के लिए वो लाइसेंस तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन लेक्चर्स के लिए वो लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। स्वॉर्ड पीयर्सिंग से हट के अब उसका ये भी कहना था कि उसको मारना नामुमकिन है। बहुत सी मैगजीन्स को इंटरव्यू देते हुए उसने ये भी क्लेम किया था कि उसने बहुत से वेज यूज़ किए हैं कि खुद को मारा जा सके, जिसमें बर्निंग आयरन था, बॉइलिंग वाटर था। इवन उसने ये क्लेम भी किया था कि कुछ यार्ड दूर से उसने खुद को शूट भी करवाया है, लेकिन इस चीज़ का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसने अपने फोरहेड और हेड पे कुछ निशान दिखाए और उसका कहना था कि ये उन गोलियों के निशान हैं, और अगर ये चीज़ वाकई सच है तो डेड गाय वॉज इनक्रेडिबल। लेकिन तब भी सब लोग जानते थे कि आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रह सके। एक दिन वो एक नीडल स्वॉलो कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग उन एंजल से जिनसे ये बात करता था, उनका कहना था कि ये सर्जरी से ही रिमूव हो सकती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स वो नीडल रिमूव नहीं कर पाते और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसकी ऑटोप्सी की जाती है और डॉक्टर्स का कहना था कि उसके फोरहेड और हेड पे किसी भी गनशॉट को कोई ट्रेस नहीं पाया गया। इसके बाद आती है फैनी मिल्स द बिगफुट गर्ल। फैनी मिल्स के फुट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उन दिनों वो एक बहुत फेमस बिग फुट परफॉर्मर बन गई थी। ये कंडीशन उसकी एक रेयर डिजीज़ की वजह से थी, जिसकी वजह से उसके फीट 19 इंचेस लॉन्ग और 7 इंचेस वाइड हो गए थे, और सिर्फ यही रीज़न थी कि उसको ओहायो बिग फुट गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। उसने 1885 से 1887 में अपनी इस कंडीशन से फ़ायदा लिया और अर्निंग करना शुरू कर दी। उसने एक म्यूजियम ज्वाइन कर लिया जहाँ पे स्ट्रेंज लोगों को डिस्प्ले किया जाता था।
वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते थे ताकि इन जैसे लोगों को देखा जा सके। बिगफुट गर्ल बहुत पॉपुलर हो गई थी, इवन वो वीकली $4,000 अर्न करने लग गई थी। फैनी की ये कंडीशन काफ़ी रेयर थी और शायद यही वजह थी कि वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। वो 1860 को सोसेक्स इंग्लैंड में पैदा हुई, जिसके बाद इमिग्रेट होकर ओहायो में चली गई। वहाँ जाके वो काफ़ी फेमस हो गई थी। फुट साइज बड़े होने के अलावा वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की थी। उसकी और भी सिस्टर्स थी, लेकिन अपने सिबलिंग में वो सिर्फ एक ऐसी थी जो इस डिजीज के साथ पैदा हुई। जब वो पैदा हुई वैसे तो वो बिल्कुल छोटी थी, लेकिन उसके फीट उस टाइम भी बहुत ज्यादा स्वॉलन थे और यही रीजन थी कि उस टाइम उसका वेट 115 पाउंड्स था। इतने बड़े फीट होने की वजह से वो नॉर्मल शूज नहीं पहन सकती थी, इसलिए उसके लिए स्पेशल शूज बनाए जाते थे जो कि 3 माउंटेन गोट्स की स्किन से बनते थे। टाइम गुजरने के साथ साथ वो वीक हो गई थी, इसलिए अब वो किसी की हेल्प के बगैर वॉक नहीं कर सकती थी। म्यूजियम में एक ऑफर लगाई जाती है कि जो इस लड़की से शादी करेगा उसको $5,000 पे किए जाएंगे। इस तरह उसकी शादी हो जाती है और इसने काफी हैप्पी लाइफ गुजारी। 1892 में वो रिटायर हो जाती है और इसी साल उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है स्टीफन ब्रोस्की। स्टीफन ब्रोस्की 1891 को पोलैंड में पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 4 ईयर्स का था, उसकी फैमिली ने नोट किया कि उसे एक डिजीज है। उसकी उस डिजीज़ का नाम हाइपरट्रिकोसिस था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो करने लग गए थे। उसके सिर्फ पाम और पाँव के नीचे वाले हिस्सों को छोड़ के पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे। उसकी मदर का कहना था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो स्टीफन के फादर पेलोयन ने अटैक किया था और उसने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से स्टीफन को ये डिजीज़ हुई है। इसके बाद उसे यूरोप में एग्जीबिशन वगैरह अरेंज करने वालों को दे दिया जाता है, जिससे उसके पेरेंट्स पैसे कमाते हैं। उसकी इस कंडीशन की वजह से उसे लॉयन मैन भी कहा जाता था। उसकी इस स्ट्रेंज लुक होने के बावजूद उसने एज अ साइड शो परफॉर्मर काम करना शुरू कर दिया और उसने अपने इस करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई। इसके बाद उसने बार्डम एंड बेली सर्कस ज्वाइन कर ली, जिसकी वजह से उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल भी किया। इस शो में वो अपनी जिमनास्टिक स्किल्स दिखाता था और अक्सर लोगों को बार्किंग करके भी दिखाता था। बाद में वो लोगों से बहुत अच्छे से बात भी करता था, इसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो जाता है, जहाँ वो अपने इन फीचर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन करता है। 1920 में रिटायर होने के बाद वो जर्मनी में वापस आ जाता है, जहां उसे कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक होता है और 41 की एज में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है साइमन मिल्स द पिनहेड। साइमन मेट्स द पिन हेड सर्कस वीक्स में एक काफ़ी बड़ा नाम है। चाहे ये दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसे द बिग बेबी कहा जा सकता है। ये 10 सितंबर 1901 को पैदा हुआ और इसकी जो रेयर कंडीशन डायग्नोज हुई थी उसे माइक्रोसेफेली कहा जाता है। उसकी हाइट 4 फीट थी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 3 साल के बच्चे की थी और वो शॉर्ट साइटेड था। इसे भी सर्कस फ्रीक शो में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसकी इस कंडीशन की वजह से इसको स्टेज पे बहुत ज़्यादा नाम दिए गए। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे, क्योंकि स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक होता था। इसने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में भी काम किया। इसका सबसे फेमस रोल 1932 की मूवी जिसका नाम फ्रीक्स था, उसमें था। इसके बाद वो बार्नम और बेली के फ्रीक शोज़ के लिए टूर पे भी गया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कल्चरल आइकन बन गया था। कुछ साइड शोज़ में परफॉर्मेंस के लिए इसको फीमेल के कपड़े पहनाए जाते थे, क्योंकि इसको फीमेल शो किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए और फेमिनिन दोनों प्रोनाउंस यूज किए जाते थे। इसकी यूरिन अनकंट्रोलेबिलिटी की वजह से इसको हर टाइम डायपर लगा के रखा जाता था और ये चीज इसकी फ्रीकनेस को मजीद बढ़ा देती थी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मेरे पास और सर्कस फ्रीक्स की लिस्ट भी है, लेकिन अगर मैं उनको शेयर करूंगा तो वीडियो विल बी सो लॉन्ग। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।